नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सूबे पर मंडरा रहा है डेंगू बीमारी का खतरा। पटना मेट्रो के डिपो के लिए बहुत जल्द होगा भूमि अधिग्रहण का काम। गंगा शांत हुई तो उत्तर बिहार की नदियां अभी भी है उफान पर। आजरी में घमासान के बीच तेज प्रताप ने छोटे भाई के लिए दिखाया प्यार। बाढ़ में मवेशी की मौत होने पर मिलेगा मुआवजा। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। सूबे पर मंडरा रहा है डेंगू बीमारी का खतरा। बरसात का सीजन खत्म होने में कुछ ही दिन शेष बचे हैं और राजधानी में डेंगू बीमारी का खतरा बढ़ने लगा है। पटना के बड़े अस्पतालों पीएमसीएच, आईजीआईएमएस, एनएमसीएच और एम्स के अलावे विभिन्न प्राइवेट अस्पतालों को मिलाकर अब तक 30 लोगों की डेंगू की रिपोर्ट आ चुकी है। राजधानी के 150 जगहों पर सर्वे रिपोर्ट में डेंगू का लार्वा मिलने की बात सामने आई है। इसलिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से संवेदनशील इलाकों के अलावे घर घर तक एंटी अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में भी टीमों को भेजकर फॉगिंग के जरिए डेंगू लार्वा को नष्ट किया जा रहा है। बताते चले कि इस मौसम में डेंगू का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए आप अपने घरों के किसी भी हिस्से में पानी को जमने ना दें। कूलर के पानी को बदलने की भी सलाह दी जाती है। पश्चिम गुजरात विज कंपनी लिमिटेड ने निकाली रिक्तियां। पीजीवीसीएल ने विद्युत सहायक, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के 49 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी किया है। आवेदन करने के लिए शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 55% के साथ बीई इलेक्ट्रिकल, बीटेक इलेक्ट्रिकल रखी गई है। उम्र सीमा 35 साल निर्धारित की गई है। वहीं आरक्षित श्रेणी को कुछ छूट मिल सकती है। इच्छुक उम्मीदवार 7 सितंबर 2021 तक या फिर उससे पहले ऑनलाइन मोड में इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट www.pgvcl.com पर जा सकते हैं। इसके अलावा इन पदों से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर चेक कर सकते हैं। बाढ़ में मवेशी की मौत होने पर मिलेगा मुआवजा। सूबे बिहार में बाढ़ के कहर से आम जनजीवन के साथ ही मवेशी और पशु पक्षियों पर भी इसकी मार पड़ रही है। खासकर पालतू पशुओं के चारे की किल्लत हो रही है, तो वहीं कई मवेशी पानी में बह गए जिसका कोई अता पता नहीं है। ऐसे में सरकार के मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी ने मवेशियों की मौत होने पर मुआवजा मिलने की बात कही है। मंत्री ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि गाय या भैंस की मौत होने पर 30,000 रुपए मुआवजा के तौर पर मिलेंगे। वहीं एक मवेशी पालक अधिकतम 3 मवेशियों के लिए मुआवजा ले सकेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि पशुपालकों के लिए राहत शिविरों में पशु चारा, दवाइयां आदि की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि बाढ़ की आपदा में पशुपालकों की समस्या का ध्यान सरकार रख रही है। गंगा शांत हुई तो उत्तर बिहार की नदियां अभी भी है उफान पर। सूबे में गंगा नदी के जलस्तर में 2 दिनों से गिरावट देखी जा रही है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट ने भी कहा है कि पिछले कुछ दिनों से पटना और उसके आसपास गंगा का जलस्तर घट रहा है, लेकिन उत्तरी बिहार में बहने वाली पहाड़ी नदियां अब भी उफान पर है। कोसी, बागमती, बालतारा नदियां अब भी खतरे के निशान से बढ़ रही है। पटना के दीघा घाट में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 41 सेंटीमीटर नीचे पाया गया, तो वहीं हथीदा में गंगा का जलस्तर 106 सेंटीमीटर ऊपर है। इसके जलस्तर में 37 सेंटीमीटर कमी होने की संभावना है। वहीं मुंगेर में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 17 सेंटीमीटर ऊपर है। भागलपुर में भी गंगा शांत हो रही है। नियोजित शिक्षकों को अपने कागजात अपलोड करने का मिला एक और मौका। शिक्षा विभाग की तरफ से राज्य के नियोजित शिक्षकों को एक और मौका अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए मिला है, क्योंकि अभी तक कई शिक्षकों ने अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स को वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया है, जिसके बाद एक बार फिर से शिक्षा विभाग ने पोर्टल को खोलकर उन्हें अंतिम मौका दिया गया है। इसके तहत पंचायती राज संस्थान और नगर निकाय संस्थान के अंतर्गत वर्ष 2006 से 2015 की अवधि में नियुक्त शिक्षकों को शिक्षा विभाग की वेबसाइट statebihar.gov.in, educationbihar.citizenhome.html पर उपलब्ध appsonline.bis.nic.in लिंक के माध्यम से निबंधन करना होगा। इसके बाद प्रपत्र में अंकित मूल प्रमाण पत्रों, मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र, इंटर का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, स्नातक का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, शिक्षक प्रशिक्षण का अंक पत्र व प्रमाण पत्र, दक्षता परीक्षा अथवा TET उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, मेधा सूची, नियुक्त पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र आदि की स्कैन कॉपी को 23 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक अपलोड करना होगा। आरजेडी में घमासान के बीच तेज प्रताप ने छोटे भाई के लिए दिखाया प्यार। राष्ट्रीय जनता दल में प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और संजय यादव को लेकर तेज प्रताप यादव ने मोर्चा खोल रखा है। वहीं तेजस्वी से मुलाकात नहीं होने पर बात यहां तक उठने लगी कि अब दोनों भाइयों में रिश्ते की खटास आ सकती है, लेकिन इन सब के बीच तेज प्रताप यादव ने आज सुबह एक ट्वीट करके अपना स्टैंड साफ कर दिया है कि भाइयों में वे कभी दरार नहीं होने देंगे। दरअसल इस ट्वीट में तेज प्रताप ने भाई तेजस्वी के साथ एक तस्वीर को अपलोड किया है और लिखा कि चाहे
जितना षड्यंत्र रचो कृष्ण अर्जुन की ये जोड़ी को तोड़ नहीं पाओगे। यह इशारा करके तेज प्रताप यादव ने साफ कर दिया कि छोटे भाई को लेकर उनका मोह भंग नहीं हुआ है। केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने बांका जमुई के पिछड़ेपन को मिटाने का किया वायदा। केंद्रीय इस्पात मंत्री बनने के बाद जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह इन दिनों घूम घूम कर बिहार के कई जिलों का दौरा कर रहे हैं। इस क्रम में बीते दिन वे जमुई और बांका जिला पहुंचे, जहां के लोगों से उन्होंने कई वायदे किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अगुवाई में बिहार का विकास हो रहा है। बिहार में रोजगार सृजन के लिए कल कारखाने लगाए जाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि जमुई के मंजोस गांव में लौह अयस्क की उपलब्धता की जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अद्यतन रिपोर्ट की तहकीकात की जाएगी। वहीं बांका पहुंचते ही वहां लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने भरोसा दिलाया कि बांका के पिछड़ेपन को दूर करने का प्रयास किया जाए। 27 अगस्त को औरंगाबाद में चिराग पासवान का होगा भव्य स्वागत। लोजपा के चिराग गुट के कार्यकर्ता व नेता अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के समर्थन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। जमुई सांसद चिराग पासवान की आशीर्वाद यात्रा को सफल बनाने में उनके कार्यकर्ताओं का विशेष सहयोग रहा। वहीं अब विभिन्न जिलों के बाद औरंगाबाद में 27 अगस्त को चिराग की आशीर्वाद यात्रा निकलेगी। इसके लिए औरंगाबाद लोजपा के कार्यकर्ताओं ने अभी से ही तैयारियों को शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक बैठकें करके औरंगाबाद जिले के प्रखंड क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं की लगातार बैठकें हो रही हैं, जिसमें सभी ने आगामी आशीर्वाद यात्रा को ऐतिहासिक बनाने और चिराग पासवान का भव्य स्वागत करने के लिए विचार विमर्श किया। जमुई पहुंचे सांसद चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री पर किया जुबानी हमला। आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर केंद्र की एनडीए सरकार की तरफ से अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसे लेकर बीते दिन लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान अपने संसदीय क्षेत्र जमुई पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बिहार की नीतीश सरकार और मुख्यमंत्री पर जमकर जुबानी हमला किया। उन्होंने कहा कि बिहार में घूस लिए बिना कोई काम नहीं होता है, जिसको लेकर बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के माध्यम से कई बार उन्होंने ध्यान आकर्षित कराया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। साथ ही उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद बिहार में केंद्र की कोई योजनाएं धरातल पर नहीं उतर रही है, इसमें राज्य सरकार परेशानी खड़ी करती है। वहीं आरसीपी सिंह के चिराग बुझ गया वाले बयान पर उन्होंने कहा कि वे लोग जानते हैं कि चिराग को बुझाया नहीं जा सकता। बाढ़ प्रलय के बीच गंगा के जन्म का वीडियो हो रहा वायरल। बिहार के कटिहार जिले में गंगा और कोसी नदियों में जल प्रलय आने से लगभग सभी प्रखंड चपेट में आ गए हैं। इस बीच कुर्सेला प्रखंड के शाहपुर धर्मी पंचायत के गांव शेरमारी से एक अनोखा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक प्रसूति ने बाढ़ की मुश्किलों के बीच बच्ची को जन्म दिया। इस दौरान एनडीआरएफ की टीम ने प्रसूति महिला की काफी मदद की, जिसकी मदद से उन्हें जैसे तैसे अस्पताल पहुंचाया गया। इस दौरान बच्चे के जन्म होने के बाद उसका नाम गंगा रख दिया गया। बताते चले कि सरकार की तरफ से बाढ़ के बीच गर्भवती महिलाओं का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। सीएम नीतीश कुमार ने बाढ़ राहत शिविरों में बेटी के जन्म होने पर 15,000 और बेटे के जन्म होने पर 10,000 देने का ऐलान किया है। पटना मेट्रो की डिपो के लिए बहुत जल्द होगा भूमि अधिग्रहण का काम। राजधानी पटना में बिहार की पहली मेट्रो सेवा शुरू होगी, इसके लिए अभी से काम में तेजी लाई जा रही है। इस बाबत जमीन अधिग्रहण को लेकर 1 सप्ताह से 15 दिनों के भीतर अधिसूचना जारी होने वाली है, जिसके बाद पटना मेट्रो के डिपो बनाने के लिए मौजा को निश्चित कर लिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक आईएसबीटी बैरिया के पास रानीपुर मौजा और पहाड़ी मौजा में करीब 75 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। जमीन अधिग्रहण का काम जिला प्रशासन की ओर से किया जाना है। इस काम को पूरा करने में लगभग 1,000 करोड़ की राशि खर्च होने की संभावना है, जिसका वहन राज्य सरकार करेगी। तेज प्रताप के भड़काऊ रवैये पर तेजस्वी ने कह दी बड़ी बात। राजद के बीच आंतरिक कलह का मुद्दा छेड़ने के बाद तेजस्वी यादव का अब तक का सबसे बड़ा बयान आया है। दरअसल बीते दिन भी तेज प्रताप यादव ने राबड़ी आवास के बाहर निकलने के बाद भी गुस्से में आकर अपने भाई के सलाहकार पर ही कई गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद आज दिल्ली निकलने से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने बड़े भाई को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी में सभी को अनुशासन में रहना चाहिए। वहीं कलह के बीच दिल्ली यात्रा करने के सवाल पर उन्होंने बताया कि वे दिल्ली में 23 अगस्त को विधानसभा कमेटी के काम को लेकर जा रहे हैं। इस दौरान 22 अगस्त को रक्षाबंधन पर दिल्ली में रहकर वो अपनी 6 बहनों से मुलाकात भी करेंगे। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का फेसबुक पेज फिर से हुआ शुरू। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के इस दुनिया को अलविदा कहने के बाद करीब 1 साल के बाद उनका फेसबुक पेज अपडेट हुआ है। हाल ही में उनके ऑफिशियल पेज पर नया प्रोफाइल फोटो अपलोड किया गया है, जिसे देखते ही उनके लाखों फैंस एक बार फिर उनके यादों में खो गए। अक्सर किसी सेलिब्रिटी के जान जाने के बाद उनके प्रोफाइल अपडेट नहीं किए जाते हैं, हालांकि सुशांत की तस्वीर को उनके ऑफिशियल पेज पर प्रोफाइल के तौर पर लगाई गई। बताते चले कि सुशांत की पीआर टीम उनके जाने के बाद भी उनका सोशल मीडिया हैंडल संभाल रहे हैं। इस पिक्चर को देखते हुए हजारों फैंस ने इमोशनल भरे रिएक्शन भी दिए।
आशा एवं आशा फैसिलिटेटर के भुगतान के लिए अश्विन पोर्टल हुआ सफल। बीते दिन स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बिहार सरकार के अश्विन पोर्टल को सफल बताया, जिसकी मदद से आशा एवं आशा फैसिलिटेटर को मिलने वाले प्रोत्साहन राशि का ऑनलाइन भुगतान किया जा रहा है। पहले इन आशा कार्यकर्ताओं को भुगतान करने के लिए कई प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता था और कई बार महीनों तक उन्हें वेतन भुगतान के लिए इंतजार करना पड़ता था, लेकिन दिसंबर 2020 में शुरू हुए इस पोर्टल से इन्हें समय पर भुगतान करने के साथ ही काम की गतिविधियों पर भी नजर रखी जाती है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि तमाम प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब प्रत्येक महीने की 12 तारीख तक पिछले माह में आशा एवं आशा फैसिलिटेटर द्वारा किए गए कामों का भुगतान कर दिया जाता है। पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान ने बुमराह की तारीफों के बांधे पुल। भारत वर्सेज इंग्लैंड के दूसरे टेस्ट मैच में लॉर्ड्स में भारत की ऐतिहासिक जीत के कुछ दिन बीतने के बाद भी जसप्रीत बुमराह का जलवा कम नहीं हुआ है। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज बुमराह ने दूसरी पारी में शानदार गेंदबाजी की थी, वहीं उनसे प्रभावित होकर पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान ने उनकी तारीफें की हैं। जहीर खान ने कहा कि अब कभी भी इंग्लिश टीम बुमराह को गुस्सा नहीं दिलाएंगी। जहीर खान ने आगे कहा कि जिस तरह की ऊर्जा और लगन से उन्होंने गेंदबाजी की वह तारीफ के काबिल है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार कल रक्षाबंधन के त्योहार पर आप अपनी प्यारी बहनों को क्या गिफ्ट्स देने की सोच रहे हैं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहे बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।